नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर आप किसी फोटो को एडिट करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फोटो की साइज को अगर आपको बढ़ाना हो या फोटो की साइज को आपको घटाना हो या अपने फोटो का अगर आपको पीडीएफ बनाना है, ब्राइटनेस या कंट्रास्ट आपको घटाना बढ़ाना है और भी बहुत कुछ जो एक फोटो एडिट से रिलेटेड है इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट से यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेते हैं और इस फोटो को क्रॉप करेंगे और इसका कलर चेंज करके जो भी एक फ़ोटो से रिलेटेड है उसको मैं यहाँ पे करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है और सबसे पहले मैं जो सामने स्क्रीन दिख रहा है इसका हम स्क्रीन शॉट ले लेते हैं और स्क्रीन शॉट लेने के लिए आपको विंडो के साथ जो है प्रिंट स्क्रीन जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन जो है डिम हो रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब जो सामने स्क्रीन ओपन है उसका स्क्रीन शॉट कैप्चर हो चुका है। तो चलिए स्क्रीन शॉट को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ से इस वेबसाइट को यहाँ पे बंद कर देता हूँ और जो भी हम स्क्रीन शॉट लेते हैं वो पिक्चर फोल्डर के अंदर स्क्रीन शॉट के अंदर जाके सेव होता है। तो आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर फोल्डर है और इसके अंदर ये स्क्रीन शॉट है। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मैंने स्क्रीन शॉट यहाँ पे प्रेस किया था तो यहाँ पे स्क्रीन शॉट आ चुका है। सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट विथ फोटोज़ दिया है, यहाँ पे एडिट विथ फोटोज़ दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये जो फ़ोटो का जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ 10 विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो लास्ट में आपको बताएंगे कि इस सॉफ्टवेयर को आप कहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आप देख पा रहे हैं मैंने इस फोटो को जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था इसको यहाँ पे फोटो एप्लीकेशन के अंदर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्रॉप का आइकन है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्रॉप करने की सुविधा हमको मिल जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो को यहाँ पर निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो इसको क्रॉप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से अपने फ़ोटो को यहाँ ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला कोना यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है और इसको हम क्रॉप करेंगे। तो इस फोटो को क्रॉप कर लेते हैं और मैं यहाँ पे स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ मीनूज़ यहाँ दिख नहीं रहा था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेव ए कॉपी दिया है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको सेव करेंगे तो जो भी फ़ोटो है बिल्कुल जो भी आपने चेंज किया है उसके हिसाब से सेव हो जाएगा। अगर हम सेव ए कॉपी पे करेंगे तो जो हमारा ओरिजिनल फ़ोटो है वो पड़ा ही रहेगा और जो भी हमने परिवर्तन किया है एक नई कॉपी बन जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे सेव ए कॉपी पे जैसे हम इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा और इसकी एक नई कॉपी जो है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये फ़ोटो क्रॉप हो चुका है और यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर हम इस पे फाइल इन्फो पे क्लिक करेंगे तो हमको फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ से हम इसकी साइज़ को देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं 125 KB की फ़ाइल है। और यहाँ पे अगर इसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसका नाम माई फोटो यहाँ पर 2 कर देता हूँ। इस तरीके से जो है आप अपने फ़ोटो का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं डेट बता रहा है किस डेट को आपने क्रिएट किया है, इस फाइल की साइज़ क्या है और ये किस लोकेशन पे फाइल सेव है, इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जा रही है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सी मोर दिया है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ इसकी साइज़ को आप घटा बढ़ा सकते हैं, इसको दूसरे नाम से आप सेव कर सकते हैं, इसको जो है प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोटो का पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। कहने का मतलब अगर प्रिंटर हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में नहीं लगा है और जैसे ये जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ करेंगे और जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा फ़ोटो है उसका एक पीडीएफ बन जाएगा। तो देख पा रहे हैं जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आप पीडीएफ फाइल का क्या नाम देना चाहते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 कर देता हूँ। फिर पूछा जा रहा है क्या लोकेशन है, किस जगह आप सेव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया हूँ और जैसे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये जो आपके सामने जो फ़ोटो दिख रहा है इसका पीडीएफ जो है हमारे डेस्कटॉप पे आ चुका है। चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन को मिनिमाइज़ करके आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये 1, 2, 3, 4 पीडीएफ जो मैंने बनाया था, जो हमारा फोटो था उसका पीडीएफ बनाया था। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं जो फोटो था उसका पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप इस एप्लीकेशन से जो है अपने फ़ोटो का पीडीएफ बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कि और क्या क्या फैसिलिटी इसके अंदर दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो एडिट इमेज दिया है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है इसके लाइट, अगर आप ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। देख पा रहे हैं लिखा क्लैरिटी, जैसे आप इसको राइट करेंगे तो फोटो देख पा रहे हैं क्लीन होता गया है, और भी ये क्लीन पहले से हो चुका है। और यहाँ से जैसे हम नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेड आइज दिया गया, इसकी भी सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पहले से बने बनाए फिल्टर दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दूसरा जो ऑप्शन है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो भी फिल्टर आपको जो भी पसंद है, जैसे आप उस क्लिक करेंगे तो उस तरह का आप देख पा रहे हैं फिल्टर इस पर अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इस पर फिल्टर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पे इस फिल्टर को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। और फाइनली जो है इसको हम जैसे सेव करेंगे तो ये जो भी कुछ हमने चेंज किया था इस पर जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जैसे मैं सेव पे कॉपी कर रहा हूँ तो फोटो फाइनली जो है जो हमने फिल्टर यूज़ किया था उस पर फिल्टर का जो इफ़ेक्ट है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अप्लाई हो चुका है। दोस्तों इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो और भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे सेट एज दिया है, आप चाहें तो इसको बैकग्राउंड के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फुल स्क्रीन में देखना है तो इसको फुल स्क्रीन पे यहाँ पे आप क्लिक करके फुल स्क्रीन आप इसका कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया गया है रिसाइज इमेज। सामान्यतः जब हम कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे फ़ोटो की साइज़ का प्रतिबंध होता है कि फ़ोटो की साइज़ जो है 500 KB से 200 KB के बीच में होती है। तो दोस्तों ये वहाँ पे ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। पर करेंट में इसकी साइज़ कितनी है, और अगर आप जो है नई फाइल इसकी साइज़ को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप इसको घटाना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे अगर जैसे 200 अगर लिख देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो फाइल जो है 158 जो KB की थी, अब ये जो है अगर इसको हम सेव करेंगे तो 70 KB की हो चुकी है। इसी तरह से अगर हमको मान लीजिए अगर हमको जो फाइल है वो 50 MB से कम चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ तो 21 KB का हो चुका है। और जैसे इसको हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है, या आप इसको दूसरे नाम से इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, जिसकी साइज़ जो है 50 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं KB का हो चुका है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ माई फोटो PHOTO फोटो, और यहाँ पे साइज़ लिख देता हूँ 50 KB। तो अगर हम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं या तो वहाँ पे आप फ़ोटो की साइज़ को ऐसे चेंज कर सकते हैं, इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो फ़ोटो की साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है इस सॉफ्टवेयर को जो है आप फ्री में जो है आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सॉफ्टवेयर आप कहाँ से फ्री में आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ स्टार्ट बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका कंप्यूटर या लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे जो सर्च बॉक्स आ रहा है यहाँ पे आप जो है स्टोर लिखेंगे STORE। जैसे स्टोर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका कंप्यूटर या लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, और ये निर्भर करता है कि इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर ओपन हो चुका है, और यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है आप मैन्युअली भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च करके भी इस एप्लीकेशन को आप जो है ला सकते हैं। आपको लिखना है माइक्रोसॉफ्ट फोटो, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ MICRO माइक्रो SOFT सॉफ्ट और PHO। जैसे टाइप करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फोटोज आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ये इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे इंस्टॉल लिखा आएगा, जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप जो है फ्री में किसी भी फ़ोटो को कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।